भैया ये भारत बहुत बड़ा है, इससे बड़ा चाय का बिजनेस है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के भाषाएं हैं, तरह तरह की बातें हैं। ये आज फैमिली मिक्स चाय के बारे में बात करेंगे। ये फैमिली मिक्स होता क्या है, क्या है फैमिली मिक्स, सरप्राइज। चलिए महाराष्ट्र के लोगों का डिमांड ये फैमिली मिक्स चाय के बताइए। दो चार फैमिलियों का मिक्स नहीं है, ये चाय का मिक्स है। चलिए मैं बात करता हूँ, मैं हूँ जेपी शर्मा। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे फैमिली मिक्स टी के बारे में। ये क्या है फैमिली मिक्स टी, इसको बनाते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है, इसकी ब्लेंड क्या होती है, इसमें छोटी सी जानकारी मैं दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए आपसे एक प्रश्न भी होगा, जो जो उत्तर देगा भाई उसको तो स्पेशल मैं थैंक्स बोलूँगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्रश्न का उत्तर और क्वेश्चन बाद में होगा। तो अभी हम बात करते हैं फैमिली मिक्स टी। देखिए ये फैमिली मिक्स टी जिसको फैमिली मिक्स टी क्या है, ये नॉर्मली महाराष्ट्र में इसकी ज़्यादा प्रचलन है। और ये फैमिली मिक्स टी बोलती क्यों है, फैमिली मिक्स टी बोलने का रीज़न ये है, वह चाय जो किसी घर परिवार के लिए, किसी डोमेस्टिक यूज़ के लिए सूटेबल हो, बढ़िया हो, फ्लेवर में, टेस्ट में, कलर में ज़बरदस्त हो, उसको फैमिली मिक्स टी बोलते हैं। वहाँ का फूड हैबिट अलग है, वहाँ का स्टाइल अलग है, इसको कई तरीके से ब्लेंड करते हैं। उस ब्लेंड पे हम बात करेंगे, हमारा ब्लेंडिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जल्दी ही आने वाला है। तो देखिए फैमिली मिक्स टी इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला मैं बात करूँगा CTC टी। देखिए सारी CTC चाय की ही ब्लेंड होती है जो फैमिली मिक्स के लिए या मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो चाय बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बाग बकरी, मोहिनी, ताज़ा, टाटा अग्नि, अमृतुल्या करके है, सोसाइटी, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए परफेक्ट है। वो कोई चाय टपरी पे या होटल में या किसी टी स्टॉल पे वो नहीं बिकती है, घर के लिए है। बहुत सारे नामी ग्रामी ऐसे ब्रांड हैं। एक उसमें है टाटा गोल्ड, टाटा गोल्ड का ब्लेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन भाई साहब महाराष्ट्र का तो बात ही अलग है। महाराष्ट्र वहाँ लोग बिंदास हैं, बिंदास तरीके की चाय पीते हैं, कड़क चाय पीते हैं, ज़बरदस्त तरीके से पीते हैं, उनकी ब्लेंड अनोखी है, इन सबसे हटके है, इन सारी ब्रांडों को साइड करके अपनी ब्रांड चलाते हैं, ज़बरदस्त चलती है। तो देखिए CTC चाय के बहुत सारे ग्रेड हैं, उस ग्रेड के साथ में कुछ एक इस तरीके से ब्लेंड करते हैं जो उनकी एरिया के हिसाब से परफेक्ट सेट हो, ये फैमिली मिक्स टी बोलते हैं। फैमिली मिक्स टी नॉर्मली एक CTC के बहुत सारे मल्टीपल ग्रेड, मल्टी ग्रेड ब्लेंड होता है। मल्टी ग्रेड ब्लेंड में इसमें BP भी हो सकते हैं, BOPSM भी हो सकते हैं, BOP भी हो सकता है, कहीं कहीं पे BOPL भी यूज करते हैं। और इनके साथ में एक खास बात है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में PD और डस्ट भी मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बड़ी ग्रेड और साथ में छोटी ग्रेड हो गई फैमिली मिक्स, भैया ये बड़े से छोटे सारे फैमिली मिक्स हो गए। साथ में इसमें एक ब्लैक लीफ मिलाने का भी इसमें एक प्रचलन है। अगर ब्लैक लीफ मिला दिए तो सोचिए कोई खास तरह की फैमिली मिक्स टी बन गई, जिसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए परफेक्ट मानते हैं। अब देखिए इस चाय में क्या है, पहला चीज़ जो मैं बताया, ये CTC जो मल्टी ग्रेड एक ब्लेंड है, मल्टी ग्रेड ब्लेंड में सबसे बड़ी बात है, बड़े ग्रेड को भी लेते हैं तो साथ में अप्रॉक्स 50% तक, 40% तक छोटे ग्रेड को भी लेते हैं जिसमें डस्ट और PD होती है। तो ये डस्ट PD की अलग खासियत है, ये डस्ट PD क्या करेगा, चाय के लीकर को बढ़ा देगा, जनरेट कर देगा, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा कर देगा। और दूसरी तरफ ये जो बड़े ग्रेड होते हैं उनकी लुक में, उनके फ्लेवर में जो भी इसकी कमी है वो पूरा कर देते हैं, कौन से बड़े ग्रेड। और साथ में अगर लीफ डाल दिए, अच्छी क्वालिटी का लीफ दे दिए, तो इनकी कोई भी कड़वापन जो है ये थोड़ा सा उसको नॉर्मल कर देगा, एक फ्लेवर ला देगा। तो ये कम्प्लीट एक फैमिली मिक्स हो गई, इसमें बूढ़ा से लेके बच्चा तक सारे मिक्स हैं, सारे मिले हुए हैं, इसको मैं ये मानता हूँ।
तो फैमिली मिक्स चाय एक मल्टी ग्रेड ब्लेंड है जिसमें छोटे ग्रेड भी हैं और बड़े ग्रेड भी हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें और सारी बातें हैं। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, सेकंड फ्लश की चाय किस मंथ से प्रारंभ होती है, सेकंड फ्लश की चाय कब से आती है? कमेंट बॉक्स में इसकी उत्तर जरूर दें, उस मंथ का नाम लिखें जब से शुरुआत होती है, ठीक है? और जिसका इसका सही उत्तर होगा उसको स्पेशल थैंक्स मेरे तरफ से हाईलाइटेड होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, सस्पेंस लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टी ग्रेड ब्लेंड हो गई जो फैमिली मिक्स के लिए परफेक्ट बनाती है, और फैमिली मिक्स में हम बात करेंगे आगे टाटा गोल्ड के बारे में भी, टाटा गोल्ड की चाय कैसी है इस पे भी बात करेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है कि ये सारे ग्रेड जो होते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट BOPL भी है, BOP, फिर BOP SM भी है, और BP OF PD Dust, ये सारे ग्रेड्स जो है ये प्राइमरी ग्रेड्स है, हम सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी ग्रेड के बारे में स्पेशल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ओनली सेकेंडरी के लिए डेडिकेटेड होगा और ये सब चीज़ें को समझा पाऊँगा, आप लोग देखिएगा। तो देखिए BOPL से डस्ट तक हर ग्रेड के अलग अलग खासियत है। बड़े ग्रेड में लीकर क्या होंगे, लाइट होंगे, ये लाइट लीकर होगा और क्या होगा, मोरलेस मॉडरेट फ्लेवर होगा। इसके जो फ्लेवर्स होते हैं ये मॉडरेट होते हैं, बहुत कड़वी नहीं होते हैं, अगर अच्छी चाय है तो। बेकार चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छी चाय की बात कर रहा हूँ। तो ये लाइट लीकर और एक फ्लेवर वाली जो चाय है, फ्लेवर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन ठीक है, कड़वी नहीं होती है। अब इसके साथ में अगर हम छोटे ग्रेड को जब मिक्स करते हैं लाइक PD और डस्ट, तो एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि PD डस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ये फैमिली मिक्स जो चाय मैंने ऐसे भी देखी हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस जो है 500, 600, 700 रुपये से है, उनकी परचेज प्राइस जो है 350, 400 रुपये की परचेज प्राइस होती है। अभी हाल फिलहाल में एक सैंपल मैंने देखा, वो जबरदस्त चाय थी, सेकंड फ्लश की ओरिजिनल चाय थी, इसीलिए क्वेश्चन सेकंड फ्लश की। तो जो भी हो, तो ये लाइट लीकर अच्छी फ्लेवर वाली गोल गोल दाने, काले साफ सुथरा दाने के साथ में अगर हम PD और डस्ट की अच्छी क्वालिटी की चाय को ब्लेंड कर देंगे तो ये चाय जबरदस्त चाय बन जाती है, एक फैमिली के लिए कंप्लीट चाय बन जाती है, जो लीकर में, टेस्ट में, फ्लेवर में जबरदस्त होती है, ठीक है? अब इसको टेस्टिंग आपको करना आना चाहिए, टेस्टिंग के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद से आप ब्लेंडिंग समझ पाएंगे। ज्यादा टेस्टिंग के बारे में जानकारी चाहिए, ब्लेंडिंग के बारे में जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करिए और हमारे स्पेशल एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे इन सब चीज़ों को सीखिए। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं स्पेशल कोर्सेज के लिए, थोड़ी बहुत चार्ज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का ब्लेंड फैमिली मिक्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और कुछ ब्लेंड ऐसे होते हैं जिसमें बड़े ग्रेड को नहीं लेते हैं, इसमें BOPSM हो गया, BP हो गया, और कुछ हद तक PD दे देंगे या डस्ट दे देंगे, ठीक है? कुछ हद तक इसकी परसेंटेज जो है 20-25% से ऊपर नहीं रखते हैं, या इसमें OF भी ऑप्शन होता है, OF भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। OF, PD, डस्ट में से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, 20% देते हैं, और इसके साथ में एक लीफ ऐड कर देते हैं, जो लीफ असम की ब्लैक लीफ हो सकती है, और टाटा गोल्ड में क्या है, दार्जिलिंग की ब्लैक लीफ, ठीक है? असम की जो ब्लैक लीफ होगी इन चीज़ों में कोई खास फर्क नहीं डालेगा, लेकिन दार्जिलिंग की ब्लैक लीफ होगी तो फ्लेवर जबरदस्त ले आएगा। तो ये फ्लेवर के लिए ये असम की के जगह पे आप दार्जिलिंग की ब्लैक लीफ को यूज करें, और ये परफेक्ट आपका बन जाएगा एक फैमिली मिक्स टी, जो स्वाद में भी परफेक्ट होगा और लिकर में भी परफेक्ट होगा, और ये सबसे बड़ी बात है, एक मॉर्निंग के लिए बहुत बढ़िया चाय है, इसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी से कम नहीं बोल सकते, ये जबरदस्त चाय होती है। और जो वहाँ का फास्ट लाइफ है, जो लोग जिस तरीके से पीते हैं, उनको स्वाद में लाजवाब होगी। तो फैमिली मिक्स चाय के बारे में और ज़्यादा समझने के लिए, और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए, ब्लेंड को समझने के लिए आप वीडियो में बने रहें, और भी आगे वीडियो आती रहेंगी।
आप कमेंट करें, उस प्रश्न का उत्तर जरूर दें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लिंक पर जरूर क्लिक करें आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।